दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन 3 हफ्ते पहले, और उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हुए उस पर 7,000 के आसपास व्यूज हो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, उसके अंदर कुछ कॉमेंट आ रहे थे, कुछ क्वेरीज थी लोगों की। वो क्वेरी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैंने उसमें एक OTT प्लगइन के बारे में आपको बताया था, और उसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये था कि सर, ये OTT DLL फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी Audacity की, और इसको किस तरह से हम ऐड करते हैं अपने Audacity के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग Audacity से अपनी एडिटिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिंगर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, और जो लोग यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। प्रॉपर तरह से पूरी वीडियो को देखना है और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन प्लगइन्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आज हम सिर्फ सीखने वाले हैं कि हमें किस तरह से ऐड करना है अपने Audacity के अंदर। आप लोग कमेंट करेंगे, इस वीडियो को प्यार देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को ये इस्तेमाल में लेने हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूं कौन से प्लगइन्स आपको इस्तेमाल में लेने हैं। तो सबसे नंबर 1 पे हम देखते हैं कौन सा है। तो यहां पर आएंगे दोस्तों, यहां पर आने के बाद आपको दिखाई देगा OTT प्लगइन। ये प्लगइन वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है Audacity के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी आवाज में डेप्थ लेकर आ सकते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी सिखा देता हूं आपको किस तरह से ऐड करना। तो सबसे पहले देखिए, ये एक zip फाइल है, उसके बाद हम लोग यहां पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहां पर ये एक फोल्डर मिलेगा आपको, और फोल्डर मिलने के बाद यहां पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख ही सकते हैं ये DLL फाइल है दोस्तों। इसको हम कॉपी करेंगे, ये करी मैंने कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे अपने माई कंप्यूटर के अंदर, और उसके अंदर हम जाएंगे ड्राइव सी में, और ड्राइव सी के अंदर हमें मिलेगा प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर हम जाएंगे तो यहां से जाने के बाद हमें मिलेगा यहां पर Audacity। अब इस Audacity के अंदर जब हम जाएंगे, Audacity में आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर, स्टेप्स याद कर लीजिए। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद हमें यहां पर कर देना है इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ये एक पॉपअप खुल जाएगा। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू, यहां पर कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको ये मिल जाएगी फाइल, ठीक है। अब इसके बाद, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को Audacity के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने Audacity को ओपन करेंगे। ये हुआ हमारा Audacity ओपन, ये हो गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका वर्जन आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मैंने डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले ही, ये देखिए डाउनलोड किया था मैंने 3.4.2, इसका अभी करंट जो वर्जन चल रहा है वो ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काटते हैं। तो दोस्तों, आप आएंगे इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट में आने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं गौर से OTT। तो ये प्लगइन इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं है, जैसे कि ये हाईलाइट है, इस तरह से ये हाईलाइट नहीं है। तो ये हाईलाइट कैसे होगा, तो ये हाईलाइट होगा जब हम इसके अंदर कोई ऑडियो फाइल को डालेंगे। जैसे मान लेते हैं हम दोस्तों, जैसे कि मैंने एक ये मिसाल के तौर पर एक ये ऑडियो इसके अंदर इनपुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां जाएंगे तो ये देखिए OTT आपका ऑटोमेटिकली ही हाईलाइट हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें किस तरह से अपने प्लगइन्स को ऐड करना है अपने Audacity के अंदर, राइट। तो हमारा एक प्लगइन इसके अंदर ऐड हो चुका है, यूज बाद में कभी सीखेंगे, इसे काटते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देता हूं दोस्तों, ये जो मेरा Audacity है ये 64 बिट का है। 64 बिट का क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां पर दिस PC पर जाएंगे, और PC पर जाने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। तो प्रॉपर्टी में आने के बाद आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मेरा सिस्टम, तो ये 64 बिट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर हो सकता है कि आप अगर कोई दूसरी विंडो चलाते हैं या दूसरा कोई कंप्यूटर है आप लोगों का, तो हो सकता है यहाँ पे 32 बिट भी हो। तो जिनका 32 बिट है या 32 बिट है उनके लिए ये OTT फाइल नहीं है, ये 64 बिट वालों के लिए है। दोस्तों, अगर आप लोगों की विंडो 32 बिट की है या आपके कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल है वो 32 बिट की है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर मैंने अलग से बना दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ये फाइल मिल जाएगी आपको, ये 32 बिट की है। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सी के अंदर आएंगे, के अंदर आने के बाद आपको अब की बार में ऊपर नहीं जाना है, 86 में जाना है, 32 यानी कि 86 में जाना है। 86 में जाने के बाद यहां पर आपका Audacity आएगा, क्योंकि मेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा 64 बिट है, इसलिए मैंने 64 बिट का ही डाउनलोड किया था। आप 32 बिट का डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा Audacity, उसके अंदर जाएंगे, प्लगइन में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब ओपन करके देखेंगे आप, तो
आपका हो जाएगा। अब इसे आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस को। तो ये एक हमारा प्लगइन हो चुका है दोस्तों, इसे करते हैं डिलीट अब यहां से, ठीक है। तो दोस्तों अब हम दूसरे प्लगइन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा देखिए TDR Nova, यहां पर ये आप देख सकते हैं ये है। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मैंने फोल्डर आ गया है। फोल्डर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप है, इस सेटअप पर आप डबल क्लिक कर देंगे, सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस आप लोगों को पता है क्या होता है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है। यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद ये पॉपअप आ गया, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। मेक श्योर कर लें कि आपका यहाँ पे चेक होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक लगाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और उसमें नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इस एप्लीकेशन के 32 बिट के लिए भी है और 64 बिट के लिए भी है। तो हमें सिर्फ 64 बिट के लिए ही चाहिए, तो हम सिर्फ 64 बिट की DLL फाइल को इंस्टॉल करेंगे, इन्हें बाकी को हटा देंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, 64 बिट प्लगइन आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला है, ये वाला है। तो मैं इस पर चेक कर दूंगा सिर्फ सिंपली, ये देखिए दोस्तों, और ये 64 बिट वाले ही मुझे सिंपली डाउनलोड करने हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन है, और लोकेशन में अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली दूसरी जो लोकेशन है वो कॉमन फाइल के अंदर मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर ओके करते हैं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए और ये इंस्टॉल हो गया आपका। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, तलाश करनी है इसकी कहाँ पर, जहाँ पर इसने बताया है। कहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद सी में आएंगे, सी में आने के बाद यहाँ इस फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर आपके में ही बनकर आएगा। यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर VST Plugin 3 और ये देखिए DLL फाइल, TDR Nova DLL फाइल। यहाँ से इसको सिंपली क्या कर लेंगे हम, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद बैक आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Audacity। Audacity के अंदर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट प्लगइन के अंदर कर देंगे। सिंपली ये पेस्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया है TDR Nova। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने Audacity को ओपन करेंगे। Audacity को ओपन करने के बाद अब देखते हैं ये आ गया TDR Nova, राइट। ये हाईलाइट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी फाइल अभी तक अपलोड नहीं की है। तो फाइल अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने कोई एक फाइल अपलोड कर दी है, आप देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोवा पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये आ गई हमारी DLL फाइल। किसी पर भी आप क्लिक कीजिए, ये आ गया हमारा सेटअप। इसका यूज क्या है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे, इसे हम डिलीट करते हैं इतने, अब इसे काट देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा Valhalla। Valhalla के अंदर आप देख सकते हैं ये 32 बिट है और ये आपका 64 बिट है। 32 बिट में 32 बिट लिखा हुआ है, यहाँ पर 64 है, तो मैं 64 बिट वाला ही अपने लिए इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ये हो जाएगा। दोस्तों ये KB में है, कुल KB में 1 या 2 MB के होंगे। ये आ गया Valhalla आपका, और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे, सिंपली इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का सिंपल सा प्रोसेस, अब ये देखिए आपकी तीनों के तीनों आपके 64 बिट के लिए हैं। इससे पिछला वाला जो था वो 32 बिट के लिए था, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट पे, और यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर होगा ये VST2 कॉमन फाइल के अंदर मिलेगा हमें, और यहाँ से ये भी देख लीजिए VST3 ये भी आपको कहाँ मिलेगा, कॉमन फाइल के अंदर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और इसे इंस्टॉल कर देते हैं, और ये हो गया इंस्टॉल आपका, 1 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, यहाँ आएंगे प्रोग्राम फाइल के अंदर, हम जाएंगे कॉमन फाइल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया Valhalla का 64 बिट। यहाँ से इसे सिंपली हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे पीछे, यहाँ आएगा Audacity, Audacity में प्लगइन्स के अंदर, और आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 अपने प्लगइन्स को ऐड कर दिया है। पहला मैंने किया था OTT फाइल को, दूसरा किया था मैंने टोक्यो वाला जो भी मैंने आपको दिखाया था, और तीसरा आपको किया है Valhalla का। तो यहाँ पर ये हमारे पास तीनों हो चुके हैं। अब तीसरा देखते हैं काम करता है कि नहीं करता Audacity के अंदर। तो ये आ गए हमारे, तो देखिए दोस्तों ये आ रहा है Valhalla Supermassive, और यहाँ पर हमारे ये क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी तक कोई भी फाइल अपलोड नहीं की है। तो पहले फाइल अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये फाइल आ गई है। फाइल पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, Valhalla पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए। तो ये हमारा ये भी काम करने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐड करते हैं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है सरप्राइज का। तो जो लोग अभी तक मेरी वीडियो को यहां तक देख चुके हैं या देख रहे हैं या अभी तक बने हुए हैं, तो उनके लिए सरप्राइज ये है दोस्तों, इन तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप सिंपली, और अपने Audacity के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।
चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत जल्दी हम लोग 500 सब्सक्राइबर के नजदीक हैं। जल्दी से आप लोग करा दीजिए, फिर उसके बाद 1K, फिर 2K, फिर 3K, फिर आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार सब्सक्राइब कर दो ना, बिना सब्सक्राइब करके मत जाया करो, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी कितनी तरक्की इनके पास। नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए अगर यूट्यूब पे हमारा प्यार। टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो, सबको सिखाए यूट्यूब पे टेक्निकल सा हो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु। टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो।